क्योंकि मैं मूल रूप से वक्ता के तौर पर आया था, अपनी निवेदन करने के लिए आया था, पर आदरणीय सर का अनुरोध है तो मैं इस श्रृंखला को समय समय पर आगे बढ़ाता रहूँगा। मैं पहले अपना आप निवेदन बहुत कम समय में, क्योंकि तीन लोगों का हम लोगों को समय लिया गया है, हमने पाँच पाँच मिनट का अपना समय ले लिया है ताकि आधिकारिक कार्यक्रम में शंकराचार्य जी को हैं जिनको लेकर हम विश्व भर में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उसमें पहले नंबर पर हमारा धर्म आता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत यह है कि हमारे धर्म को लेकर लोग की वजह से हम विश्व गुरु हुआ करते थे। शंकराचार्य का जो प्रकाश है या जो प्रभाव है या उनका जो प्रभाव है, उन सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। मूल रूप से जो कि जीवनचर्या को मैंने और उनके जीवन प्रबंधन को इसलिए छोड़ दिया है तो उस पर शंकराचार्य को मनाने की स्थिति में आए। अगर भारत के बांग्मन इतिहास को देखा जाए या धर्म को देखा जाए तो परशुराम जी के बाद एकमात्र शंकराचार्य ऐसे होती हैं जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए काम किया है। आदि पुरुषों में जो चिरंजीवी हैं उनमें परशुराम जी ने एक काम ये किया था कि दुष्ट राजाओं का दमन किया था और सुशासन का संकल्प लिया था। मूल रूप से पहला लोकतंत्र उन्होंने स्थापित किया था और पूरे हिंदुस्तान जो आर्यव्रत उस समय था उसको राजाओं के हवाले करके उन पर धर्मदंड के तौर पर राजगुरुओं की स्थापना की थी, जो कालांतर में अब तक वो व्यवस्था चली आई। और इस व्यवस्था का जब ह्रास हुआ सातवीं शताब्दी आते आते धार्मिक रूप से हिंदुस्तान सबसे ज्यादा कमजोर हुआ था और उस कमजोरी के दौर में भगवान शंकराचार्य का प्रकाश हुआ है। लोकाक या दर्शन के तौर पर उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। सूक्ष्म अवतार या कार्य अवतार के तौर पर थे जो एक काम करने के लिए आए थे। एक छोटी सी घटना उनके धर्म को लेकर है। उनके पिता ने और माता ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी तब उनका धर्म हुआ था। और धर्म से पहले उन्होंने एक वर मांगा था भगवान से कि मुझे एक सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञ व्यक्ति चाहिए या पुत्र चाहिए जो लंबी जीवन के लिए। तो भगवान शंकर ने कहा था कि आपको सर्वज्ञ पुत्र मिलेगा, लंबे समय तक नहीं मिलेगा। तो चूंकि उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की थी जिसने आगे चलकर सनातन धर्म को बचाया था। दरअसल ये चीज आपको और थोड़ी सी पीछे लेके चला जाता हूँ। 2500 साल पहले अगर आप जाएंगे तो इस देश की स्थिति इतनी खराब रही है जो इतिहास में भी उल्लेखित नहीं हो पाई। अगर उस समय की आप चीजें देखें तो तीन बड़े धर्म उपजे हैं और वो तीनों के तीनों धर्म तृष्णाओं से उपजे हैं या मूल धर्म से निकल के अपनी अलग चीजों को लेकर मध्य पंथ के तौर पर आए हैं। उनमें सबसे पहले इस्लाम आया, इस्लाम के बाद जैन और बौद्ध धर्म आए। प्रभात हमारे साथ ये रहा कि वेदांतक की जो चीजें थी, कम से कम बुद्ध धर्म और जैन धर्म हम वेदांतकों को हीन बताकर आगे बढ़ रहे थे। तो शंकराचार्य का जो उन्नत हिंदू दर्शन में हिंदू धर्म में जो योगदान है वो ये है कि अगर शंकराचार्य नहीं होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये गोष्ठियाँ नहीं होती। आज सनातन या हिंदू धर्म के तौर पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिस तेजी की तरह से दूसरे धर्म बढ़ रहे थे, मत धर्म के तौर पर आ रहे थे, वो सबसे बड़ा कष्ट था। और उसको शंकराचार्य लोगों का वेद की चीजों को गलत बता के जो धर्म आगे बढ़ रहे थे उनका रोकना काम किया है। उनको स्थापित किया धर्म शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रार्थों के माध्यम से, और उस समय के इन धर्मों के गुरुओं को ये समझाया और उनको पराजित भी किया कई मुद्दों पर कि वो जो थे वो गलत थे। आप मत के तौर पर सनातन धर्म से अलग सिख जैन धर्म उसमें हो सकते हैं, धर्म आपका सनातन ही रहेगा, उसमें अलग अलग व्याख्याएं तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा जो शंकराचार्य को लेकर साहित्य के तौर पर सबसे बड़ी चीज है वो द्वैत अद्वैत मत को लेकर है। द्वैत का मतलब होता है भेद और अद्वैत का मतलब है जिसमें भेद ना हो। अगर पूरे शंकराचार्य को किसी एक शब्द में उकेर कर प्रस्तुत करने की कोई कोशिश करेगा तो उसके अद्वैत बात के कारण होता है, जिसमें भेद ना हो, जड़ और चेतन एक हो जाए, ब्रह्म और जीव की उपासना एक तौर पर जब कर दी जाए तब आप शंकराचार्य को समझ पाएंगे। यही काम शंकराचार्य ने किया था कि लोग जो धर्म को लेकर तमाम सारी बातें कर रहे थे, अलग अलग चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि परशुराम जी के बाद से उस दौर में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो धर्म को निरूपित कर सके और उसमें आ रही विकृतियों को दूर कर सके, क्योंकि उस समय जो मठाधीश थे वो अपने अपने हिसाब से कह रहे थे। जो हम लोगों को आरोप लगते हैं अंधविश्वास की कुरीतियों के, वो उसी समय के थे। शंकराचार्य एकमात्र हस्ती ऐसी नहीं जो व्यवस्था तौर तंत्र में नहीं चार मठ बनाए और मठ इसलिए बनाए थे कि ये धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म में आने विकृतियों को दूर करेंगे। इसलिए उन्होंने शंकराचार्यों की पद व्यवस्था की थी और उस पद पर उन प्रतिष्ठित या आचार्यों को सुशोभित किया जाता था जो उस पद के योग्य हों, उसके अलावा उन पर कोई नहीं बैठ सकता था। तो वेदांतम के बाद में जो सबसे बड़ा वैद्य
में ये चीज थी कि दो किसी भी चीज को अलग न समझना, जीव और ब्रह्म को एक मान लेना, और इसके आधार पर हिंदू धर्म को संगठित किया उन्होंने, आगे बढ़ाया। जीवन परिचर्या के रूप में कुल 32 वर्ष की उम्र में लोगों को समझ में नहीं आती, तब उन्होंने तत्व को समझा था, परमहंस को समझा था, भारतीय दर्शन और हिंदुस्तान का एक ऐसा मनस्वी जिसको सदियों तक उसकी संततियां इस वजह से याद रखेंगी कि उसने अपने धर्म को बचाए रखा। आज आप सब लोग उनके जयंती पर यहाँ उपस्थित हुए, सबको हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद। और सरकारी स्तर पर जो आयोजन हुए हैं उनकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ और एक निबंध के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि इन विचार गोष्ठियों को इन चौराहों पर ले जाना चाहिए जहाँ इनकी जरूरत है या जहाँ विकृतियाँ आ रही हैं। दूसरा, हमारे जो पाठ्यक्रम से ये महापुरुष दूर होते जा रहे हैं, कृपया आप अपने तौर पर प्रयास कीजिए दोबारा ये पाठ्यक्रम में आए, मेरी जैसी युवा पीढ़ी जो उनके कारण गा सकती है वो और आगे चली जाए। बहुत धन्यवाद। चारों मठों को पूरा समाज मानता है, पूरा देश मानता है, और
प्रकार के कि हमारे धर्म में जो धाराएं सर्वोण निर्वोण इसके साथ साथ अलग अलग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बनाई, उन सबसे उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार जिस प्रकार उनका नाम शंकर था और हम शंकर का ही अवतार मानते हैं, उनके आधार पर ही उन्होंने उन सब लोगों को पराजित किया। उन्होंने बिहार के बहुत बड़े विद्वान मुंडन मिश्रा से शास्त्रार्थ किया और उनको पराजित किया, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि पहले आप मेरे से भी शास्त्रार्थ करोगे, तो उसके लिए भी उन्होंने उनसे समय लिया और उसका अध्ययन किया। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो ब्रह्मचारी थे, पूरे देश के लिए समाज के लिए समर्पित थे, सन्यासी थे, तो उन्होंने समय लेकर उसका भी उन्होंने अध्ययन किया, ध्यान किया, उन्होंने सनातन संस्कृति वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का ध्यान किया, उसके आधार पर उनको भी पराजित किया, पूरे भारत के अंदर पूरे विश्व में वो कीर्तिमान बनाया। उन्होंने वेद के अनुसार शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार सबको शास्त्रार्थ में पराजित किया। उन्होंने हमारे राष्ट्र और हमारी समाज पर बहुत बड़ा वो किया है, पूरे देश को जोड़ा है, चारों तरफ से चारों दिशाओं में जो मठ की स्थापना की है। मंडल मित्र बिहार के नहीं, उस समय के आर्यवर्त के सामाजिक विद्वानों में से थे जिन्होंने वेदांत पर भाष्य लिखे और उपनिषदों की व्याख्या की, और उनके बाद जब उनका एक बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग था जो उनको फॉलो कर रहा था, हमारे देश ने मुगल अंग्रेजों को भी देखा और इन सब चीजों ने शंकराचार्यों को कमजोर किया। बहुत अच्छी बात यह है कि कम से कम अब की सरकारें उनका बोध कर रही है, उनको याद कर रही है, उनको ध्यान में रख रही है। सरकार या संगठन के तौर पर हमारे साथ में आदरणीय जय कुमार जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा इस विषय पर वो जरूर सदन को बताएं कि आखिर क्या सोच रही है कि शंकराचार्यों को फिर इस तरह से मनाने की। पत्रकार बंधु और सभी विद्वान, आप सभी को आदि शंकराचार्य जी के बारे में सभी लोगों ने बताया। सबसे पहले मैं आप सभी को आदि शंकराचार्य जी के जन्म जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। शासन इस पर जो काम अभी शंकराचार्य जी की जयंती मनाने का तय किया, इसी के फलस्वरूप ओंकारेश्वर में शासन ने 108 फुट की मूर्ति धातु की बनाने का निर्णय भी लिया है, तो बहुत जल्दी यह काम शुरू होने वाला है। ओंकारेश्वर में 108 फुट की प्रतिमा लगाई जाएगी और शंकराचार्य जी के बारे में विस्तृत रूप से आप सभी लोगों ने बताया है। दो विद्वान और पांच पांच मिनट का समय और आपका लेंगे। आदरणीय चंद्रमोहन मिश्रा जी भी 50 वर्षों से जो है धर्म और आध्यात्म की साधना कर रहे हैं, वेदांत और दूसरे विषयों पर। महाराज जनक महान ज्ञानी माने
ज्ञान योग में अगर भगवान कृष्ण ने किसी का नाम लिया है तो महाराज जनक का लिया है। वो जनक जी महाराज एक बार अपने राज प्रासाद में सो रहे हैं, नींद लगी हुई है, स्वप्न देखते हैं किसी राजा ने चढ़ाई कर दी है और राजा जनक चले गए, भाग गए, निर्वासित हो गए, भूखे हैं, प्यासे हैं और भटक रहे हैं जंगल में और छुराक इतने हैं कि प्राण जाने की स्थिति में है और एक स्थान पर सदा व्रत पट रहा है। ये देखते हैं और पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, वहाँ खिचड़ी पट रही है और जब उनकी बारी दुखी होते हैं कहते हैं हमको कुछ दे दिया जाए। उन्होंने कहा यहाँ तो समाप्त हो गया, अब तो कल मिलेगा आपको ये भोजन। उन्होंने जली कटी खिचड़ी उनको दी, एक पत्ते में उन्होंने ली और भगवान की आराधना की। अगर इस दौर में हमने उनको दोबारा से रिसाइकलिंग नहीं किया, उन चीजों को नहीं करा,
तो बहुत सारे बाल बहुत सारे चीजें जो गर्भ में चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उसी तरह के उसका हो जाए। तो वर्तमान में जो धर्म के मूल में आ रही समस्याएं हैं उनके लिए शंकराचार्य मठ की व्यवस्था करके गए थे, और क्या वो मठ उस काम को कर पा रहे हैं? ये शंकराचार्य की जयंती के दिन विद्वानों के बीच का विषय है। काशी उर्वशी जैसे विद्वान और अलग अलग क्षेत्रों में रायती जैसे विद्वान इस विषय पर सदन का और आम लोगों का जो है थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, क्या आप उस चीज पर सही जा रहे हैं? और शंकराचार्य को आपकी नजर से जरूर ये सदन देखना जाएगा। तो मैं आदरणीय कैलाशपति जी का बहुत अनुरोध के साथ स्वागत करता हूँ, कृपया आप अपने दर्शन करें। तीसरी पुस्तक समय का भारतीय ग्रंथ पर भी भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा में संग्रह छपा है, उसमें इंद्रानी ने स्वयं मेरा परिचय दिया। क्योंकि हम किसी ऐसे धर्म विद्वान के बारे में आज बात कर रहे हैं कि जिनसे इस देश की पहचान आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि अद्वैतवाद का शारीरिक भाष्य जो शंकराचार्य जी ने किया उसके पहले नहीं था। बाद राय काश्यप और बहुत से नाम, मैंने बताया कि ये रिसर्च का विषय है तो मैं लगभग उसी में से दो चार चीजें नोट करके लाया हूँ, आपको बताऊंगा कि क्या हम वास्तव में अपने आदर्श पुरुषों के बारे में सही जानकारी रखते हैं या नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म गोंडा जिले सूखा खेत में हुआ, राजापुर ग्राम में हुआ, यह बाद हाई कोर्ट लखनऊ चल और ये चल रहा था उसी समय उत्तर प्रदेश के तात्कालिक राज्यपाल ने उनको 24 लाख रुपये अनुदान घोषित किया। मैंने उनको पत्र लिखा कि यदि आपने उनको अनुदान दे दिया इसका मतलब यह है तुलसीदास जी यही जन्मे यहाँ को स्मारक बन रहा है। तो उन्होंने फिर पत्र मुझे लिखा कि अनुदान तो हम साहित्य के सब सब प्रसन्न मंडली जुड़े काम करें इसके लिए दे रहे हैं, पर आपकी वास्तव में सहमत। मैं ऐसा जानता हूँ कि जो विद्वान समाज को दिशा देता है या युग को बदल देता है, ऐसे विद्वानों की लेखनी के भीतर ही उनके बारे में रहस्य छुपा होता है। हमें किसी दूसरे की लेखनी की आवश्यकता नहीं होती। भले ही ऐसा नहीं है, लोग ठीक कह रहे हैं पूर्व वक्ता कि शंकराचार्य जी के बाद इतने विद्वान हुए कि उनका ही समर्थन करते करते आज ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी भर जाएगी उनके ऊपर इतनी बड़ी किताब है। और उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनका संप्रदाय क्या है, उस पर विद्वान बोल रहे हैं। ये पहली बार शासन में नहीं किया ऐसा, आपको याद होना चाहिए। आप में से कुछ अधिकारी भी बैठे हैं। 1988 से 89 तक 1200वीं शताब्दी भारत सरकार ने मनाई थी, उसकी डेट और बजटियर का नंबर सब मिल गया और बस और वो कार्यक्रम चला। आज फिर मध्य प्रदेश शासन में अपने स्तर पर, जिला प्रशासन में अपने स्तर पर इसका समायोजन किया है, तो धन्यवाद के पात्र। हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने ये वास्तव में धर्म अभ्यास पढ़ाते में उन्होंने अशुद्ध उच्चारण किया तो घर में से आवाज आई, उनकी माँ पास में बैठी थी, हे पिता अशुद्ध शिक्षा मत दो, गलत शिक्षा मत दो। उन्होंने इधर उधर देखा आवाज कहाँ से आई। ये पुस्तक जो है हमारे भारत सरकार में सांसद है मुरली मनोहर जोशी, उनका प्रज्ञा प्रवाह करके पुस्तक उन्होंने लिखा था। तो फिर पढ़ाने
गुरु तुने आवाया हे पिता अशुद्ध मार्ग दर्शन हो तुमने ध्यान दिया बोले गर्भ से आवाज आ रही है उसने कहा तू उत्पन्न नहीं हुआ है पिता का अपमान करता है जा तू आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो उन्होंने कहा टेढ़ा मेढ़ा होना कोई खास बात नहीं पर ज्ञान हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए ये बात कुछ आप थोड़ा सा धैर्य रखें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर एक हमारे आदि शंकराचार्य जी को जन्म समय के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं इस पर बहुत सी संगोष्ठियाँ हुई सर्वप्रथम तो डॉक्टर राधा कृष्ण सरपल्ली जो बैठे हैं इन्होंने अपना मत लिखा है दूसरे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना मत लिखा है तीसरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है ये तो हमारे दिन जाने माने नाम हुआ बहुत से मैं अंग्रेज विद्वानों के नाम भी लाया हूँ कि कैसे हमारे देश के इतिहास को लोगों ने क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था तो हमारी प्राचीन संस्कृति को क्यों सहन कर इसलिए उन्होंने अपने शासन काल में अपनी शक्ति के बल पर हमारे साहित्य के क्रम को इतिहास के क्रम को उलट फेर कर दिया गौतम बुद्ध का निर्माण कब हुआ शंकराचार्य कब पैदा हुए उन्होंने ईसा को बीच में रख के देखिए किस प्रकार से ज्ञान का विपर्य किया है उल्टा अर्थ किया है आज जो हमारा ज्ञान है वो इसी तरह की कहानियों में जैसे पहले किंवदंती होंठों से होंठों पर चलती थी ऐसे ही ये ज्ञान क्यों आज हम इतनी तीव्र गति संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं कि हमको इन चीज़ों पर विचार करने का उतना समय नहीं है तो धन्यवाद आपका है कि आपने कुछ क्षण के लिए बुला लिया इस क्षण में हम सारी बात तो नहीं कर सकते लेकिन उन मूल बातों को जरूर करना चाहिए कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था यदि हम ये नहीं बता सकते कि हमारा राम कब हुआ था हमारा कृष्ण कब हुआ था तो हमको धर्म के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं मेरे पिता कौन है ये मुझे बताना पड़ेगा मैं किसका पुत्र हूँ ये बताना पड़ेगा मेरा जन्मतिथि क्या है डेट ऑफ बर्थ क्या है ये मुझे बोलना पड़ेगी तभी मेरा इतिहास लोग जान पाएंगे मैं भी हमेशा से अंधाधुंध हो जा रहा पर मैं उन लोगों से जरूर मिलता रहा जो इन चीजों में आगे बढ़ने का काम करते देश के वरिष्ठ साहित्यकार और इतिहासविद पुरातत्वविद ये सब लोग मेरे संपर्क में उनके संपर्क में गए उसके चार महावाक्य चारों की धोखे दिए अयम आत्मा ब्रह्म प्रत्यात्मा ब्रह्म ब्रह्माष्टमी तत्मशी ये चार महावाक्य धोखे दिए और इनका क्या अर्थ होता है सीधा सीधा वही अर्थ होता है कि तू है सुन और अध्ययन के बारे में जो बड़ा क्लियर विलेशन हमारी विनोद जी ने किया कि जो एक ना हो और स्वयं दो हो कैसा कहा था सम्मान अध्ययन का क्या कहा था जो दो ना हो और रामानुजाचार्य हुए उन्होंने शुद्धाद्वैत लिखा फिर बल्भाचार्य जी हुए उन्होंने शुद्धाद्वैत लिखा और उसके भी अनुयायी बहुत हैं रामानुज के अनुयायी बहुत हैं उनकी भी हजारवीं वर्षगांठ इस वर्ष में रथ यात्रा हो रही है हमारे जिले में भी आई थी दीपक जी ने उनका स्वागत किया था और इसी प्रकार से बहुत से दर्शन हमारे देश में हैं चारवाक नागार्जुन और नास्तिकों को भी हमने अपने अंदर जो है आदर और अनकन्य रूप में लिया है देश में सब प्रकार के लोग हैं लेकिन खास बात यह है कि देश की जो अस्मिता है जो प्रभुता है जो सुवर्णती है जिसके आधार पर देश खड़ा होता है ढांचा उसका मूल तत्व क्या है वो मूल तत्व जो है हमारे देश की सनातन संस्कृति है तो सनातन संस्कृति का स्वरूप क्या है तो स्वरूप को शंकराचार्य जी ने मुख्य रूप से अपने दर्शन के द्वारा अध्ययन दर्शन के द्वारा और अपने ग्रंथों के द्वारा उन लोगों को छकाया हराया कि जब धर्म में थकावट आ गई थी और धर्म में विभ्रम पैदा हो गया था इसलिए वो हमारे
एक धर्म प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं। वास्तव में तो दया भोज अध्यक्ष हो जो उपासना का विषय है, और उपासना आज का भगवान जो बैठा हुआ है वो किस रूप में कैसे करता है, उसके लिए ना दर्द की जरूरत पड़ती है ना अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। वो अपनी उपासना अपने हृदय से, अपने निकट से, अपने माता पिता से, अपने गुरुकुल से, अपने समाज से जो लेता है उसी से आगे बढ़ता है। जो विशेष रूप से कोई चीज यदि आगे बढ़ वाली बात है तो शासन उसको प्रयासशील है। उसने सोचा कि शंकराचार्य जी को संसार के सामने फिर से लाना चाहिए और हमारे देश में नव जागृति आना चाहिए। शिष्य और शंकराचार्य जी के गुरु से उनसे पता चलता है कि नर्मदा तट पर कुछ समय रहे, और नर्मदा तट पर जब रहे तो आज ये बहुत बड़े विद्वान की बड़ी किताब है वो कहाँ रहे, तो जो गुफाएं बताई गई उन गुफाओं तक में गया, तीन जगह बताई, तीनों जगह गया, लेकिन अभी ये निर्णय नहीं हुआ। ईसा के 509 वर्ष पूर्व की है, किंतु जोहान्सकृत काल गणना ने आदि शंकराचार्य को ईसा के बाद की 8वीं सदी में माना है। ये कहां से शुरू हुआ? ये षड्यंत्र जो बंगाल में जब इनका शासन स्थापित हुआ तब 1874 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उस सोसाइटी में वो 1793 में बैठक में जॉन्स ने भारतीय इतिहास के कार्यक्रम का अपना सिद्धांत रखा कि अलेक्जेंडर का जो यहाँ आक्रमण हुआ वो तिथि के आगे और कुछ पीछे, तो उससे लंबी संदेह की स्थिति बन गई। आज शंकराचार्य की जन्मतिथि जो है वो उन्होंने 8वीं सदी में निरूपित की, और उसी को हम मानकर आज जो है जयंती मना रहे हैं। और यही बात आज जितने विद्वान ने किताब शोध किया है वो 8वीं सदी मान कर दिया है, किंतु बहुत से लोग जानते होंगे कि भारतवर्ष में ऐसा धार्मिक साहित्य का मिशन है गीता प्रेस गोरखपुर, वहाँ से कल्याण पत्रिका निकलती है, उसमें उन्होंने जो भक्तों का चरित्र है भक्तमाल करके जो एक क्रमबद्ध सूची है उसमें उन्होंने भगवान शंकराचार्य जी को इस आगे पूर्व को ही माना। अब उसके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए आपको बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को हम कहते हैं कि ये उन्होंने अपना एक नया धर्म चला मत चलाया। जो बच्चा भारत में पैदा होगा भारत में रहेगा, शिक्षा भी भारत से लेगा, महापुरुष बने या चार मध्यम दर्जे का विद्यार्थी है। गीता के अध्याय 400 श्लोक को आप सुनिएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, हे बुद्ध हे अर्जुन तू बुद्धि की शरण में आ। आप जानते हैं जब कोई प्राची व्यक्ति खड़ा हो जाता है छद्मवेश वाला धर्म कोई खड़ा करना हो, कोई भी ट्रांसलेशन ऐसा संदेश का देना हो, तब हम उसी मूल चीज को पकड़ कर उसी की नजर करते हैं। गौतम बुद्ध ने वही किया, बुद्धौ शरणम गच्छामि। आप देखिए मीवा मा अंति संस्कृत की धातु में, और वो कहते हैं अन्विच्छ आओ, और ये कहते हैं बुद्धि की शरण में जाओ। और बुद्ध के पहले गीता हुई है, बुद्ध के पहले कृष्ण हुए हैं, मूल बात उनका यही है। और जितनी भी चीजें और आप तंत्र की देखेंगे तो त्रिपिटक में और उनके वाङ्मय में जो बुद्ध का साहित्य सारी चीजें वही मिलेंगी। पूजा का आडम्बर आप देखेंगे वो सब का सब वही है, और उनका जो मूल ज्ञान है भगवान कृष्ण की गीता है। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूँ आपसे, बहुत से लोग कहते हैं 32 वर्ष में भगवान शंकराचार्य का प्रोधन हुआ,
मैं शंकराचार्य का एक प्रार्थना है, बहुत से लोग दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो ध्यान देने कुपल तो जाए तो कुछ भी तुम आता न भगवती, ये बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना उनकी है शंकराचार्य। इसमें वो आगे कहते हैं, परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पंचाशीते अधिक अधिकम परिते तुवयसि। हे माता, मुझे नाना देवताओं की सेवा में व्यग्र रहना पड़ता था और मेरी 85 वर्ष से अधिक की अवस्था बीत गई और मैंने सब देवताओं को छोड़ दिया, मैं अब तेरी शरण में आ गया। ये शंकराचार्य द्वारा रचित प्रार्थना है, दुर्गा सप्तमी के अंत में आप सब पढ़ सकते हैं। बताइए उनके शब्दों को कह रहे हैं, ये 85 वर्ष हो गए और कितनी जोर से प्रचार है सैकड़ों वर्षों से कि 32 वर्ष में चलेगा, कैसा भी क्रम है। ये शिक्षा में उल्टा ज्ञान हमें क्यों दिया जा रहा है? बहुत सी चीजें ऐसी है, मैंने एक विशेषांक भी निकाला था पूरा, शिक्षा में भ्रम लगभग उसको 10-12 वर्ष हो। तो इस तरह जो है हमें हमारे विद्वानों के जो ग्रंथ हैं उनकी बातों को हम तभी कर पाएंगे कि जब हम वेदांग में दुष्मान को क्या करना चाहिए हूँ, ज्योतिष का ज्ञान हो, छंद का ज्ञान हो, निरुक्त का ज्ञान हो, शिक्षा का ज्ञान हो, तब हम उनको आत्मसात कर पाएंगे उनके दर्शन। वास्तव में तो हमको फिर हाथ जोड़े बोलो शंकराचार्य भगवान की कैसे करते हैं। जय श्री राम। अवसर पर आयोजित इस गोष्ठी के बिल्कुल समापन अवसर पर आप लोगों को यहाँ आते और उनको देखते हुए और इस पूरे कार्यक्रम को जो है डिजाइन करने के लिए बधाई। और आप इस पूरी चीज को खत्म कर दें क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं और सीमाएं होती हैं, आपके अपने सांस की दायित्व भी है। हम अपनी चीज को यही खत्म करते हैं और आज इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार और अशोकनगर जिले के प्रशासनिक मुखिया, धार्मिक तौर पर एक बहुत ही लब्ध व्यक्ति जिनको बहुत आत्म के साथ जो है आप लोग स्वीकार करते हैं, उनकी जो प्रबलता रहती है उनको और उनके साथ जितने भी टीम ने जिसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया जिसमें आदरणीय एडीएम साहब है और उनके साथ हैं, उन सभी को बधाई। और बधाई के साथ मैं सीधे इस मंच को और सदन को आदरणीय कलेक्टर साहब से जोड़ता हूँ, कृपया वो आज के इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार जरूर प्रकट करें। हमारे बीच में उपस्थित और ये कहें कि भगवान शंकर के अवतारी पुरुष आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मतिथि के अवसर पर हमें उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें समझने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित विद्वत जनों ने अपने लगभग अभी तक के पूरे जीवन काल के अध्ययन का निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत किया है और वाकई मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आदि शंकराचार्य जी को समझना बहुत आसान काम नहीं है, किंतु आप सभी विद्वत जनों ने आदि शंकराचार्य जी को बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया और उनके जीवन का जो निचोड़ था, उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो किया है वो पूरा निचोड़ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर हम सभी धन्य हो गए हैं। आदि शंकराचार्य जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी विद्वत जनन बताया है, वो वास्तव में भगवान शंकर के अवतार ही थे, अन्यथा ऐसा क्या था उनमें कि बहुत ही अल्प समय में सारे वेदों का ज्ञान होना, सारे उपनिषदों का ज्ञान होना और सिर्फ इतना ही नहीं, 7 वर्ष की उम्र में ही सारे वेदों का ज्ञान होना। यहाँ तो अगर हम देखें तो 7 वर्ष की उम्र में तो बच्चा और भी नहीं जानता है और उस उम्र में भी
आदि गुरु शंकराचार्य ने सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया था और बहुत सारे पुस्तकों को उन्होंने भाषित किया है। इतना ही नहीं, यद्यपि बहुत ही अल्पायु में वो हमारे बीच से चले गए, किंतु 32 वर्ष की उम्र में ही इतने बड़े बड़े कार्य करना और पैदल पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना, ये बहुत महान कार्य है। सबसे मुख्य कार्य जो उन्होंने किया है वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना, उनको पुनर्जीवित करना, ये वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। और सनातन धर्म की रक्षा के साथ साथ उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पढ़ा और पूरे भारतवर्ष की एकता के प्रमुख आधार स्तंभ 4 मठों की स्थापना उन्होंने की है, जो कि आज भी हम सब के लिए राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं और हम सब उनके प्रति गहरी आस्था रखते हैं। हमारे लिए एक और सौभाग्य की बात है कि आदि शंकराचार्य जी ने नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में काफी समय व्यतीत किया और बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में माँ नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर जैसे पवित्र स्थान से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। निश्चित तौर पर उनके दर्शन हम सब के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ पर जितने भी विद्वत्जनों ने हमारे समक्ष जो बातें रखी हैं, मैं उन सब का हृदय से आभारी हूँ और यहाँ जितने भी सदन में बैठे हैं मौजूद हमारे सभी महानुभाव हैं, उनसे आग्रह करूँगा कृपया वो आदि शंकराचार्य जी के दर्शनों को आत्मसात करें और अपने आचरण में लाएं। पुनः इस अवसर पर आप सभी लोग पधारे, उनके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जिला शिक्षा केंद्र से बच्चों की पुस्तिका छपी है, तो मैं सभी विद्वत्जन यहाँ उपस्थित हैं उनसे आग्रह करूँगा। शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में किया जाता है, उसी के संदर्भ में सभी बच्चों द्वारा कुछ स्वरचित कविताएं और कहानियों का संग्रह कर हमारे जिला शिक्षा केंद्र द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है, इसे नाम दिया है नवांग। चूंकि यह छोटे छोटे बच्चों द्वारा स्वरचित और संकलित कविताओं और कहानियों का संग्रह है, इस जिला स्तरीय नवांकुर पत्रिका में हमें जो महत्वपूर्ण सहयोग मिला है, अच्छे से प्रकाशन करने में हमारा सहयोग प्रदान किया है। आज मैं माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि वो उस पत्रिका का विमोचन। जो लोग चल रहे थे उनमें खराबियां आई, बलि हुआ,
यज्ञ में हिंसा आई, पता नहीं कितनी चीजें आई, और उसके फलस्वरूप या उसके विकास से बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने पूरे इस देश को बदल दिया। और ये देश प्रेम करुणा दया इस पर आधारित देश बना। और बड़े बड़े सम्राटों ने संन्यास देना चालू किया, ये बहुत बड़ी परंपरा को बुद्ध तोड़ा। आदि शंकराचार्य ने क्या किया, वही का वही काम आदि शंकराचार्य ने किया कि 6 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। तो एक उपाधि इसलिए बुद्ध ने जो सनातन वेद की चीजें श्रेष्ठ थी वो अपने धर्म में सम्मिलित थी, क्योंकि जिसे सत्य उपलब्ध हुआ वो अलग अलग देख सकते हैं, हो नहीं सकते। बुद्ध को जो गीता से प्रतिविज्ञा हुई ज्ञान हुआ वो, और शंकराचार्य को ज्ञान हुआ वो, और या मोहम्मद को गिर रहे हैं, जीसस को गिर रहे हैं, इनके इनमें हमें ऊपर से देखने में भेद लग सकता है। ये उनकी पूर्व में रही जीवन पद्धति के आधार पर ये विचार आगे बढ़ते हैं। तो मेरा गोल पुराने समय में इस तरह की कोई बातें नहीं थी, इसलिए दो धर्म की कोई बातें नहीं थी। इस देश में जो पैदा हो रहा उसे चार बात भी था, वैसे भी था, न्याय भी था, संघ भी था, पतंजलि भी थे, कर्मकांड भी था, मूर्ति पूजा भी थी, निर्गुण भी था, सब था। और मांस खा लेने में कोई बुरा नहीं, ऐसा होने इसलिए कहना पड़ा कि किसी भिक्षु को उनके कमंडल में किसी ने मांस डाल लिया तो उन्होंने ये कहा कि जो मिले वो खाना पड़ेगा। तो उसने आगे पूछा कि मांस डाल के क्या करूं, बुद्ध ने कहा आज यदि मैंने इसको कह दिया कि इसको छोड़ दो तो ये रोज चुनने लगे तमाशा करेंगे। बुद्ध ने कहा तुम ना थोड़ी मार रहा है, जो डरा है वो तुम लो ग्रहण करो। तो उसकी वजह से ये परंपरा हो गई कि मरे हुए जानवर का मांस खाया, उसकी वोट में फिर बुद्ध धर्म में मानता आ गया। तो वो चीज जो बुद्ध ने करुणा से दया से प्रेम से आई थी वो 800 साल में खराब हो गई। तो ये जो आद्य शंकराचार्य का आना है वो ये कहते हैं लोग कि आद्य शंकराचार्य प्रचंड बहुत है, इसलिए बुद्ध जो कहना चाह रहे थे वही उन्होंने उपनिषदों के माध्यम से प्रूव किया आद्य शंकराचार्य। इसलिए आप देखें आद्य शंकराचार्य ने अच्छी चीजों को भाष्य किए, उनमें रामायण नहीं है, उनमें भगवद गीता है, बालरायण का ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। तो उन चीजों को उठाया उन्होंने जो बुद्ध सम्मत थी, बुद्ध जो बात कर रहे थे उनका कॉम्पिटिशन दे सके वो बातें उन्होंने उठाई, और निश्चित है कि उसका फर्क पड़ा। और जो कर्मकांड के तौर पर बहुत बहुत महावीर हो रहे थे और निश्चित है उसमें तो बाद में कुछ सांप्रदायिकता भी हुई, ऐसा भी लोग कहते हैं कि अलग बात है। तो अंत में फिर ये पुनर्स्थापन हुई, पर आज हम समय देखें तो आज हिंदू धर्म के बाद आद्य शंकराचार्य का क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई हिंदू कभी कोई उपनिषद उठा के पढ़ता होगा कि बालरायण का किसी हिंदू ने नाम सुना हो, कि ब्रह्मसूत्र से किसी ने हाथ लगाया हो, मुझे तो नहीं लगता। तो यदि हिंदुओं की बात की जाए तो रामचरितमानस में सुंदरकांड और सुंदरकांड में अतुलित बल धाम ये रट ले, ये मुझे लगता है पर्याप्त लगता है लोगों को। तो ये जो शंकराचार्य का मूल दान है धर्म के लिए वो ये है कि उनका ये कहना था, जैसा कबीर ने भी कहा बात में, एक कहें तो गलत होगा क्योंकि एक से दो का बोल होगा और दो कहें तो गाली जैसा होगा, इसलिए अच्छा ये उसे ये कहा जाए कि वो दो नहीं है, इसको अद्वैत कहा। प्रकृति का जो मूल स्रोत है वो एक है, तो उन्होंने कहा एक के आते ही दो का बोल होता है इसलिए एक नहीं कह सकते। तो अब उसको ये कहा जाता है कि अद्वैत जहां दो ना बचे आगे जाना, उसको अतिक्रमण करना, जो ऊर्जा का मूल स्रोत है उसका बोध हो, उसको हम कह सकते हैं कि अद्वैत।